यहाँ पे जितने भी प्रॉप्स रखे हैं ना, उन्होंने उसमें असली बॉम्ब्स छुपा के रखे हैं। मिनिस्टर मैम को मारना चाहता है वो। मैंने उन्हें किसी को ऑर्डर देते हुए सुना था कि बॉम्ब को डेटोनेट कर दो। सब समझ में आ रहा है कि इतने दिन से चल क्या रहा था। मेरे हिसाब से इस प्रोग्राम को होने देना चाहिए। हम फंक्शन का वेन्यू बदल देते हैं, रॉकी के होटल में करते हैं, वो जगह बहुत सुरक्षित है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे तो कुमार सर पे शक हो रहा है। ज्योति के बारे में पूछना और उसे ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि मैंने उसे खास मिशन पर भेजा है। क्योंकि मुझे तुम्हें कहना है कि सारे आतंकी हमले के पीछे जो मास्टरमाइंड है, उसने सुबह मुझे फोन किया था। तो सर, जिन आतंकवादियों को आपने मुझे पकड़ने के लिए भेजा था वो लगभग मेरी गिरफ्त में, और अभी ये मिशन पूरा होने वाला है, लेकिन इससे पहले कि मैं पहुंचूं, उन आतंकवादियों ने उसे मार दिया। स्कूल में जो अटैक हुआ था उसका मास्टरमाइंड भी कुमार ही है। ज्योति को इस बात का पता लग गया था इससे पहले कि ज्योति उसकी औकात सबके सामने लेके आती। उसने ज्योति का मर्डर कर दिया, मेरे बेटे को यूज किया उसने। मैं कुमार को छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा उसको। ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। हमें समझदारी से काम करना होगा। जितने भी बॉम्ब्स हैं यहाँ पे, उनको सबसे पहले कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा डिफ्यूज करने का। मुझे पता है तुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन रॉकी, ज्योति ने इन्हीं सब वजह से अपनी जान गंवाई, और हमें ये ज्योति के लिए करना ही होगा। उस कुमार का जो भी मिशन है हमें फेल करना होगा। रॉकी, तू सही बोल रही है एबी, हम कुमार को जीतने नहीं दे सकते। तो एक काम कर, तू मिनिस्टर मैम को जल्द से जल्द यहाँ से लेके जा, उन्हें बिना कुछ बताए। और बाकी लोगों का क्या? कुमार के पास बॉम्ब्स का रिमोट नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसने कोई बंदा रखा हुआ है जो इसके काम को अंजाम देगा। कुमार कभी भी धमाका कर सकता है, अगर मिनिस्टर मैम यहाँ नहीं होगी तो वो धमाका नहीं करेगा। हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा और हम लोगों को बाहर भेज देंगे, लेकिन ये काम हमें चुपचाप करना होगा। अगर कुमार को इस बात का पता लग गया वो धमाका कर देगा। सबसे पहले मैं उन लोगों को ढूंढता हूँ जिनके पास बॉम्ब्स का रिमोट है, और साथ साथ मैं लोगों को धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। पर हैप्पी, किसी को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। क्या हुआ हैप्पी? मिनिस्टर, उनके हाथ में बॉम्ब। यही मौका है कबीर, मिनिस्टर स्टेज पर है और बॉम्ब की रेंज में है, उड़ा दो जल्दी। ये लो, ले जाओ फटाफट, एक भी गेस्ट छूटना नहीं चाहिए। क्विकली जाओ जाओ जाओ। रुको, नहीं तुम दोनों नहीं, तुम दोनों जाओ। तुम लोग जब तक ठीक से बर्तन साफ कर नहीं लेते ना, तुम लोग किचन से बाहर नहीं जाओगे। निपटाओ अपना काम। By God, हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। ये सारी बातचीत ना बाद में करना, और ये फोन वोन अभी रख दो, पहले बर्तन साफ करो, जाओ चलो। इसे यहीं कहीं छुपा देते हैं, जल्दी इसका पकड़ ले। चल चार्ली, हम आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम, एक सेकंड मेरे साथ चलिए ना, बाकी के वीआईपी गेस्ट भी आने हैं और अभी तक इवेंट शुरू भी नहीं हुआ है। थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि आपका टचअप, मेकअप टचअप हो जाता तो बेटर रहेगा।
ये हैप्पी मिनिस्टर मैम को कहां ले जा रही है? हैप्पी, तुम मैम को इस समय कहां लेकर जा रही हो? फंक्शन का टाइम है, इस समय मैडम को कहीं नहीं लेकर जा सकते तुम। ठीक है सर, पर एक्चुअली मैं सोच रही थी कि सब फोटोज क्लिक करेंगे एंड सब जगह मीडिया में सारी फोटोज जाएंगी मैम की, तो मैम को एकदम बेस्ट लगना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा टचअप हो जाता तो 10 ही मिनट की बात है, बट आप देख लीजिए फिर। अभी टाइम नहीं है उन सब चीजों के लिए, प्लीज। कोई बात नहीं, 10 मिनट की बात है ना, मैं अभी आती हूँ। ओके आइए मैम, मेरे साथ चलिए। कबीर, हैप्पी मैडम को मेकअप रूम में ले जा रही है, नजर रखना उस पर, लेकिन हैप्पी को पता नहीं चलना चाहिए। मैडम किसी भी हालत में होटल से बाहर नहीं जानी चाहिए, बॉम्ब ब्लास्ट तभी होना चाहिए जब वो स्टेज पर हो। गॉट इट सर? सर बॉम्ब्स? हाँ बॉम्ब्स। देखो पैनिक मत करो, शांत दिमाग से काम करना है हमें। सबसे पहले पूरे स्टाफ को बुलाओ, बिना शोर मचाए गेस्ट को बाहर निकालो, पूरा होटल खाली करना है हमें, और तुम इस हॉल को खाली कराओ, ठीक है? अगर किसी को भी नहीं पता लगना चाहिए, अगर हमने जरा भी गलती की ना, जरा भी गलती, तो आतंकवादी बम फोड़ देंगे। और हाँ, हरलीन कहीं मिल नहीं रही है, अगर हॉल में कहीं दिखाई दे तो उसे ही फटाफट बाहर निकालो। आइए मैम, मैम थोड़ा थोड़ा जल्दी। तुम मुझे मेकअप रूम में लेके जा रही थी ना, फिर हम ये होटल के बाहर क्यों जा रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए आप पैनिक नहीं होंगे, आप घबराएंगी नहीं। मैम यहाँ पे होटल में आपकी जान को खतरा है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सकता है आप यहाँ से निकल जाइए तो बेहतर होगा। लेकिन कुमार जी ने मुझे कहा था कि सिक्योरिटी एकदम टाइट है, वो खुद देख रहे हैं, फिर मुझे कहाँ से खतरा होगा? जी को खुद नहीं पता है मैम, हम जाके उनको बताएंगे मैम, लेकिन प्लीज यहाँ से इस वक्त निकल जाइए। मैं क्या है क्यों है मैं आपको बाद में बताती हूँ मैम। मैम प्लीज बताओ बात क्या है, कैसा खतरा? मैंने कहा था ना आपकी जान को खतरा है मैम, प्लीज यहाँ से चले जाइए। कौन लोग क्या चाहते हैं मैं आपको बताती हूँ मैम, लेकिन आप फिलहाल के लिए यहाँ से चले जाइए प्लीज। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी गाड़ी निकलवाइए जल्दी प्लीज, आप जाइए मैम के साथ जाइए प्लीज। मिनिस्टर को मेकअप के लिए बाहर लेकर गई है, जैसे वो मिनिस्टर को अंदर लेकर आती है और मिनिस्टर स्टेज पर पहुंचती है, उड़ा दो उसे। एंड दिस ब्लडी गार्ड, ना जाने कहां चला गया, कब से कांटेक्ट कर रहा हूं उसे, पर मूव। अंदर आने के लिए मना किया है, लेकिन अंदर अंदर कुछ हो गया तो जिस तरीके से यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, अगर रॉकी की जान अगर बम फट गया तो नहीं, अगर रॉकी को बम का रिमोट नहीं मिला और बम फट गया, नहीं मुझे अंदर जाना चाहिए। बम का रिमोट इन दोनों में से किसी एक के पास ही होगा, कुमार बहुत चलाक है, इन्हें फंसाया होगा, अगर प्लान फेल भी हो जाए और ये पकड़े जाए तो इल्ज़ाम उसके ऊपर ना लगे, इसलिए रिमोट इन्हें दिया होगा।
खुद ब्लास्ट नहीं करेगा वो। अब ये कैसे पता लगे कि इन दोनों में से किसके पास रिमोट है? एक अच्छी बात है कि कम से कम हैप्पी या नहीं। वापस लौट जा। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पे रहूंगी तुम्हारे साथ। हैप्पी तेरा दिमाग खराब है, पागल है तू? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बम फट सकता है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। जो होगा साथ में होगा ना, बस मैं यहीं पे रहूंगी, तेरी हेल्प करूंगी बस। ये बहस करने का टाइम नहीं है, तो प्लीज जा यहाँ से। और तुझे कुछ हो गया तो तुझे पता है ना मैं राकी, जिसको आप प्यार करते हैं वो आपसे दूर चला जाए तो कितना दर्द होता है, तुझे पता है ना? मैं तो उससे दूर चली गई थी तो तूने सब झेला, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ रॉकी। और अगर मैं तुझे बोलूंगी यहाँ से चला जा, तू जाएगा? नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं चाहता हूँ कि तू जिए और तू खुश रहे। मुझे अपनी लाइफ की परवाह नहीं है। तो जो होगा साथ में होगा, बस ये कुछ पल तेरे साथ जी लूंगी ना तो मुझे लगेगा मैंने पूरी जिंदगी जी ली रॉकी। हम जिएंगे या मरेंगे, जो होगा देख लेंगे। हैप्पी, मीनू और कबीर दोनों यहां पे हैं। मैंने उन्हें कुमार से बात करते हुए देखा है, हो ना हो रिमोट उन्हीं के पास है। हमें कुछ भी करके रिमोट उनसे लेना है और बम डिफ्यूज करने हैं। ठीक है, तुम कबीर को जाके देखो, मैं मीनू को संभालती हूँ। आगे बताना नहीं तो पढ़ने दबा दूंगा, सबके सब यहीं मर जाएंगे। कबीर रिमोट दीजिए। यहाँ पे बम है, सब लोग भागो, चलो जल्दी जल्दी भागो, भागो। तुम लोग बहुत होशियार समझ रहे हो ना। कबीर बटन मत दबाना। हमने बटन दबा दिया, 5 मिनट के अंदर मेरे साथ साथ तुम सब लोग मारे जाओगे। इतनी मेहनत की, इतनी प्लानिंग की, और जब बम फटने का समय आया तो मिनिस्टर फिर निकल गई होटल से, फिर बच गई मेरे हाथ से वो। ये सब इस हैप्पी की वजह से, हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाती है ये। इनको छोड़ो, कुमार को जाके पकड़ो। कुमार साजू को पकड़ना है? सर नहीं, आतंकवादी है वो, जाओ पकड़ो। बच्ची, इस बार हमारा मिशन खराब नहीं करने देंगे हम तुम्हें। आज तो धमाका होके ही रहेगा, स्कूल में भी हमारा मिशन को अंजाम देते देते रहेंगे हम तुम्हारी वजह से। मिशन नहीं है वो, मर्डर है, मास मर्डर। जितने बेकसूर लोग हैं ना उनको मार रहे हो तुम लोग। हाँ तो ठीक है ना, फिर मुझे सबको क्यों ना मारना पड़े, सबकी कुर्बानी इनकी, तुम्हारी और खानी के भी। Thank you.
बर्दाश्त तो मैं जरूर करूंगा। तुम क्या अब इसे कोई भी नहीं रोक सकता? जल्दी जल्दी बाहर निकलो, होटल के अंदर बम है। ए, जल्दी करो, निकलो निकलो। कोई है? मैं यहाँ दरवाजे के पीछे बंद हूँ, कोई दरवाजा खोलो प्लीज। मुझे सांस नहीं ली जा रही, मैं दम घुट रहा है, दरवाजा खोलो। कोई प्लीज दरवाजा खोलो। वो दोनों जान से मार दूंगी मैं उन दोनों को। बताओ कहाँ है वो दोनों? छोड़ूंगी नहीं मैं उनको, छोड़ूंगी नहीं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, वरना मेरा रॉकी मुझे घर से बाहर निकलने से मना क्यों करता? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा रॉकी किसी परेशानी में है? हरलीन है उसके साथ। हे रब जी, दोनों की रक्षा करना, दोनों की रक्षा करना। मेरा दिल, जब भी ये हैप्पी मेरे रॉकी के इर्द गिर्द होती है ना, तब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। जब से ही मरकर वापस आई है, मुझे पता था कोई ना कोई मुसीबत जरूर आएगी मेरे परिवार पर। पर नहीं, मैं अपने परिवार पर और सदमा होने नहीं दूंगी। मैं अभी कभी जाऊंगी और देखूंगी कि होटल में सब कुछ ठीक है कि नहीं है। पुलिस क्यों आई है? हे रब जी। नहीं बीजी। हानी, हट जा सामने से। नहीं बीजी, अब नहीं चल सकती, अब चीटिंग कर रहे हो। मैंने कहा था ना, घर से बाहर कोई नहीं जाएगा, और खिड़की दरवाजे खोलना भी नॉट अलाउड है। चलो वापस जाके बैठो वहाँ। देखानी, हट जा मेरे सामने से। मुझे ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई परेशानी, तो हट जा मेरे सामने से, 5 मिनट भी जाकर आती। पापा ने मुझे ऑर्डर दिया है कि कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, नहीं तो अभी मैं फोन कर दूंगा। हट जा मेरे सामने से। नहीं बीजी, आप कहीं नहीं जाओगे, आपको मेरी कसम। चुप कर। आपको पता है ना कसम तोड़ने से क्या होता है? चलो बीजी। बम फटने वाला है। मिनिस्टर को इस वक्त यहाँ होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। बहुत स्मार्ट समझती हो ना अपने आपको, शौक है ना तुम्हें मेरे मसलों में टांग अड़ाने का? अरे जो चीज दिमाग में घुसती नहीं, उसमें घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद कितना नेक और पाकीजा है, और तुम कितनी उम्मीदें थी मेरी तुमसे, कितना भरोसा था। मुझे ऐसा लगता था कि अभी नहीं तो कुछ दिनों में मैं तुम्हें अपने मिशन में, अपने मकसद में शामिल कर लूंगा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी खिलाफत करनी थी। 5 ड्रग डीलर्स को पकड़वा कर तुम अपने आप को धूप समझने लगे, तुम्हें लगता कि सब कुछ खत्म हो गया? ये ड्रग्स का जहर है, जहरीला जहर, ऐसे खत्म नहीं होता। देखो रॉकी, ड्रग्स की इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मैं काम कर रहा हूं, और जिस मिनिस्टर को तुम शरीफ कह रहे हो ना, वही सारे ड्रग डीलर को फंड करती है, इसलिए मैं उसे मार देना चाहता था, पर तुम लोग बीच में आ गए। तुम जैसे बेवकूफ लोगों की वजह से मैं अपना प्लान बर्बाद होने नहीं दूंगा। मिनिस्टर को तो तुमने बचा लिया, लेकिन इस बॉम्ब के धमाके की गूंज अब मिनिस्ट्री और सरकार के कानों को चीरती हुई निकल जाएगी। हमारी कुर्बानी अब जाया नहीं जाएगी। मिनिस्टर हारेगी और हम जीतेंगे, लेकिन बम ब्लास्ट होकर रहेंगे, एंड दैट इज ट्रू। ये क्या हो रहा है यहाँ पर?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।